Good morning, guys. Welcome back to my channel once again. And today we will be doing chapter number one, that is the basics of auditing. Now, before we move forward, I would request you to watch earlier video that was based on the syllabus. Why? Because तुम्हें उससे पूरा आइडिया मिलेगा कि हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या कवर करने वाले हैं एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईच चैप्टर. फाइन. Now, before we actually move forward, I would request you to subscribe to my channel and share it with your friends because एक यही मोटिवेशन है जो मुझे आता है as a YouTuber कि I get more views, I get more comments, I get more subscription, more appreciation, and that's how I am actually appreciated to work on new videos. Okay, now enough of promotions, ठीक है? तो अब देखते हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एंड ईच एंड एवरी वीडियो इन 20 to 30 minutes सो दैट तुम्हारे लिए कोई भी टॉपिक बहुत बोरिंग ना बने. ठीक है, नाउ लेट्स सी वॉट ऑल टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग. दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज द इजिएस्ट चैप्टर इन दी होल सिलेबस. ठीक है, मतलब पूरा का पूरा ऑडिटिंग उठा लो एंड तुम एक ये चैप्टर उठा लो, सबसे इजी चैप्टर है बट सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. व्हाई? बिकॉज अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि ऑडिटिंग क्या होता है तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि ऑडिटिंग में चल क्या रहा है. ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल स्किल्स दैट व्हाट इज ऑडिटिंग, व्हाई ऑडिटिंग इज डन एंड व्हाई इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. फाइन, तो दीज आर द फाइव टॉपिक्स. सो जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, सिलेबस के आगे यू राइट ऑल द टॉपिक्स. तो तुम क्या करो, आई विल गिव यू एन आइडिया. तुम एक वाइट पेज लो, उसके ऊपर लिखो सिलेबस, यहाँ लिखो यूनिट वन एंड इसके नीचे डालो चैप्टर नंबर वन एंड चैप्टर नंबर वन के ऐसे पांच टॉपिक बनाओ एंड राइट दीज फाइव टॉपिक्स. फाइन, लेट्स से तुमने ऑब्जेक्टिव्स में, जैसे हम पढ़ने वाले यहाँ पे दो चीजें पढ़ी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो इससे क्या होगा, तुम्हारे पूरे ऑडिटिंग का सिर्फ एक फ्लो चार्ट बन जाएगा जिससे तुम्हें एज अ होल बहुत हेल्प होगी जब तुम रिविजन करने बैठोगे. मत सुनो, दो तीन वीडियो देखने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक फ्लो चार्ट बनाना. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑडिटिंग. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द ऑडिटिंग, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि हम ऑडिटिंग कर क्यों रहे हैं. ठीक है, व्हाई दी हेल इज ऑडिटिंग इम्पॉर्टेंट, क्यों जरूरत है कि मैं EY, PwC, KPMG या कोई भी बड़े फर्म को अपने अपने फर्म में लाऊं, उन्हें बोलूं कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करो और बताओ कि ये ठीक है या नहीं ठीक है. ठीक है, तो द बेसिक पर्पस ऑफ ऑडिटिंग क्या था. सबसे पहले जब ऑडिटिंग नहीं होती थी तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे फेलियर्स हो रहे थे, स्कैंडल्स हो रहे थे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत ज़्यादा डूब रहा था. ठीक है, तो फाइनली चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट आया जिसमें वी हैव टू डू द ऑडिटिंग ऑफ द कंपनीज सो दैट हम उसे एग्जामिन कर पाए और इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलवा पाए कि हाँ भैया, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम देख रहे हो ये ठीक है, ये रिलायबल है, ये सच्ची है, ये झूठी नहीं है, मैनेजमेंट ने अपने मन से नहीं बनाई है, यहाँ पे ऑडिटर का साइन है, वो चेक करके आ चुका है. ठीक है, तो दिस इज हाउ ऑडिटिंग बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. फाइंड द ऑडिटिंग एक और रीजन से एग्जिस्ट करती है, दैट इज द एजेंसी रिलेशनशिप. एक होती है मैनेजमेंट, एक होता है शेयर होल्डर. ठीक है, शेयर होल्डर आर द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी. जे लेट्स से अपना कोई पैसा डालते हैं $10,000 एंड ये अपना डे टू डे काम कर रहे हैं. ठीक है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ द बिजनेस फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशंस. तो ये हमारे एजेंट्स हैं, ये हमारे प्रिंसिपल हैं, ये डेली काम कर रहे हैं, ये डेली काम मतलब एज इन इनका पैसा लगा हुआ है और इनकी पूरी मेहनत लगी हुई है. ठीक है, अब शेयर होल्डर और इनमें थोड़ा सा क्लैश होता है. ठीक है, अब लेट्स से इसने एक बैलेंस शीट बना के दी
ठीक है, जिसमें इसने बोल दिया 10,000 हमारे एसेट्स है। अब ये शेयर होल्डर बिलीव कैसे करे, भैया तुम्हारे पैसे, तुम मैंने तो सिर्फ पैसे दे दिए थे, ये मेरे पैसे सही से खर्च हुए हैं या नहीं हुए, क्या जो तुम बोल रहे हो वो सही है या नहीं सही। तो इन ऑर्डर टू वेरीफाई ऑल दीज थिंग्स, ऑडिटिंग इज डन, एग्जामिनेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डन, एंड हेंस ऑडिटिंग बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज। फाइन, तो तुम्हें अगर आज कोई लेट्स से रोड पे चलता हुआ पूछ लेता है, भैया ऑडिटिंग क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ मैम, हम आपको बता सकते हैं, ये कुछ नहीं है बट एक इंडिपेंडेंट पार्टी, दैट इज द ऑडिटर, जिसका कोई रिलेशन चाचा मामा फूफा दादा दादी कुछ नहीं लगता, ना ही शेयर होल्डर का ना ही मैनेजमेंट का। ये एक अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी है जो मेरी कंपनी में आएगी, और सब्जेक्ट मैटर, अब ये सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है, या तो ये तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, या तो ये तुम्हारे नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। वो आएगी, एग्जामिन करेगी, ठीक है, एंड फाइनली एक ओपिनियन बताएगी, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो भी डेटा तुम ऑडिट करवाते हो वो ठीक है, दैट इज वेदर इट इज ट्रू और फेयर और नॉट। गोरिया की बात नहीं हो रही, ट्रू एंड फेयर मीन्स अनबायस्ड और ट्रू, दैट इज वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, वेदर दे आर अनबायस्ड और नॉट, ठीक है। तो आई बिलीव तुम्हें रहा चलता फिरता कोई भी एकदम पीछे से, एक्सक्यूज मी ब्रदर व्हाट इज ऑडिटिंग, तुम बता पाओगे, ठीक है। अब हम ठहरे बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स, हम इसी बात को थोड़ा घुमा फिरा के अच्छी भाषा में लिखेंगे तो हमें मिल जाएंगे 2 out of 2 इन मीनिंग, ठीक है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, हम थोड़ा इंडियन कंटेक्स्ट में जाएंगे, हम थोड़ा उनके बैक एंड पे जाएंगे, हम कहेंगे ISI ने ये हमें डेफिनेशन दी, ठीक है। तो तुम्हारी एक लाइन सुंदर सी ISAI की डेफिनेशन फुल फॉर्म लिखने में चली गई, ठीक है भैया। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, मैं तो ये नहीं बोल रही थी, सिस्टमैटिक का मतलब कि आज ऑडिटर आया नींदों में, कंपनी में चलते हुए आया, कुछ कुछ करके गया और साइन गिर गया, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ही हैज टू डू लॉट ऑफ प्लानिंग, ही हैज टू डू लॉट ऑफ प्रोसीजर्स, एंड फाइनली ही हैज टू डू लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, एविडेंसेस। तो एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है एंड एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, ऑफ डेटा। दिस डेटा कैन बी अ फाइनेंशियल डेटा और अ नॉन फाइनेंशियल डेटा। डेटा को अब थोड़ा हम एक्सपैंड करके लिखेंगे, क्योंकि हम ठहरे बीकॉम के स्टूडेंट्स, हम 2 लाइन में तो बिल्कुल एग्री नहीं करते, हम उसे 4-5 लाइन में तो कम से कम लिखेंगे, ठीक है। तो हमने थोड़ा डेटा को एक्सपैंड किया, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल और अदरवाइज, और तुम यहाँ देख सकते हो नॉन फाइनेंशियल, ऑफ एंड एंटरप्राइज, चाचा मामा भतीजे की तो करूंगी नहीं, एक कंपनी की करूंगी, एंटरप्राइज की करूंगी, फॉर अ स्टेटेड पर्पज। अब दिस पर्पज कुड वेरी फ्रॉम पर्पज टू पर्पज, मे बी मेरा पर्पज ऑफ ऑडिटिंग था कि मुझे अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी थी, और कुछ कंपनीज लेट्स से 2013 में दे वॉन्ट टू गेट लिस्टेड, ओके, सो एक कंपल्शन होती है दैट यू नीड टू गेट योर फर्म्स ऑडिटेड, सो दिस मे बी द पर्पज ऑफ द कंपनी दैट दे वॉन्ट टू गेट लिस्टेड, दैट्स वाई दे आर डूइंग ऑडिटिंग ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो देयर मे बी डिफरेंट पर्पज फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स, फाइन। लेट्स से आज अगर मैं EY में काम कर रही हूँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स दैट वी यूजली गेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी एक्ट देम एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, वी एक्ट देम एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी, जहाँ पे हम उनके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हैं। इन द सेकेंड सिनेरियो, वी एक्ट एज एन इंटरनल ऑडिटर, डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट, वॉट आर देयर पर्पज, वॉट इज देयर ऑब्जेक्टिव, यू मे डू दी, यू मे चूज टू डू दी ऑडिटिंग ऑफ अ फर्म। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर, ओके। अगर तुम्हें ये भी प्रॉपरली याद नहीं होता है, जस्ट रिमेम्बर कि एक सब्जेक्ट मैटर को हम सिस्टमैटिकली
एंड इंडिपेंडेंट पार्टी आके एग्जामिन करती है. सो दीज आर द फ्यू की वर्ड्स दैट यू हैव टू मेंशन इन योर डेफिनेशन एंड यू विल गेट 2 out of 2. ओके फॉर अ स्टेटेड पर्पस. फाइन. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी सिंपल. फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, प्लीज फील फ्री टू एक्चुअली कॉमेंट बिलो एंड टेल मी मैम ये नहीं समझ पाया. ठीक है. Now, what are the features of auditing? देखो, अगर तुम एक बीकॉम स्टूडेंट हो, हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले हम किसी भी चीज का मीनिंग पढ़ते हैं और उसमें से ही फिर फीचर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. ठीक है. तो फीचर्स आर नथिंग बट दी मीनिंग का ही कुछ एक्सट्रैक्टेड पार्ट. फाइन. तो अभी हमने मीनिंग में, या इफ यू आर ओवर स्मार्ट यू कैन ऐड ऑल फीचर्स इन योर मीनिंग एंड गेट 2 out of 2. फाइन. सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एज आई मेंशन, चाचा भतीजा फूफा ये सब नहीं करते हैं. देयर इज एन इंडिपेंडेंट पार्टी हु एक्चुअली एग्जामिन्स योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देन क्वालिफाइड पीपल. ये नहीं कि मेरा नेबर आके, सर मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर दूँ, मैं आपका साइन कर दूंगा. कोई बात नहीं, साइन ही तो करना है. नहीं. ठीक है. ये बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए. ये बंदा CA ACCA फॉर UK फर्म्स. तो ही शुड होल्ड अ डिग्री, ही शुड होल्ड अ क्वालिफिकेशन. कोई भी तुम्हारे चलता फिरता रहा फिरता ऑडिटिंग नहीं कर सकता. राइट. तो प्रॉपर एविडेंस. देखो, अब ऑडिटर ठहरा इंसान. ठीक है. वो कुछ भी एविडेंस के बिना नहीं चल सकता. ठीक है. लेट्स से आज अगर वो बोलता है, कोई लेट्स से क्लाइंट बोलता है, वी हैव परचेज द मशीनरी ऑफ $10,000. सो ऑडिटर विल रिलाई ऑन दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. दिस कुड बी योर इनवॉइस, मतलब कोई भी उसने इनवॉइस पे करी होगी या बैंक स्टेटमेंट में से पैसे गए होंगे. सो ऑडिटर नीड्स टू कलेक्ट दीज एविडेंसेस इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज ओपिनियन. लेट्स से आज मैं एज अ ऑडिटर बोलती हूँ कि भैया एक कंपनी में फ्रॉड चल रहा है 10-1 लाख डॉलर्स का. Why am I saying this? क्योंकि सैलरीज विदड्रॉ हो रही है बैंक स्टेटमेंट से, बट यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसके लिए ये सैलरी जा रही है. सो ये मुझे कैसे पता चला? मैंने जब प्रॉपर एग्जामिनेशन करी, मैंने जब प्रॉपर एविडेंसेस कलेक्ट किए. अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, मैं फ्राइडे नाइट को पार्टी करके आई थी एंड सैटरडे को मैं जाके बोलूँ सर आपकी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है. शेयर होल्डर ना धक्का खा के गिर जाएगा. वो कहेगा क्यों सर आपको कैसे पता चला? सर मैं फ्राइडे नाइट गया था, मुझे किसी ने बताया और मैंने आपको बता दिया. नो, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन एविडेंसेस. यू कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग इन योर रिपोर्ट विदाउट एविडेंस. ओके. नाउ ट्रूथ एंड फेयरनेस. गोरा होने की बात यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है. फेयरनेस होता है मेनली अनबायस्ड ओपिनियन. ठीक है. अनबायस्ड मतलब मैं तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं लगती. मैं जो भी ओपिनियन दूंगी, मैं जो भी चीज कहूंगी, वो मैं बहुत ही अनबायस्ड कहूंगी. ठीक है. एंड बुक्स अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, सो दीज आर द मेन गोल जिसकी हम ऑडिटिंग कर रहे हैं. फाइन. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग? क्या मुझे किसी कुत्ते ने काटा है कि मैं तुम्हारा आके ऑडिटिंग कर लूंगी? क्या किसी शेयर होल्डर को बहुत पैसे आए हैं, बहुत खुजली हुई है कि मैं इतने 1 लाख रुपए इस साल खर्च करूंगा और एक ऑडिटर को दूंगा? बिल्कुल नहीं. तो इसका पर्पस क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो देयर आर टू ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो आई विल डिटेक्ट दैट. ठीक है. एंड माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी ट्रू एंड फेयर व्यू. तो तुम ये वर्ड रट लो. ठीक है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर. व्हाट इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव? इज टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर. फाइन. तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? व्हाई द हेल इज ऑडिटिंग डन? फॉर द टू पर्पस. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, एंड द सेकेंडरी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम
fraud and error. Not free. There are few frauds or error that will actually go, you know, undetected. But I will try my best as an auditor to detect all fraud and error that will actually come in on the way of my auditing process. Now, what is fraud and error? अगर तुम एक बहुत intelligent student हो ना, तुम कहोगे ma'am, you are using this word together. Fraud and error. Are they actually same or are they actually different? और अगर same है, तो फिर हम difference क्यों देख रहे हैं? तो first of all, ये बिल्कुल same नहीं है, ठीक है? ये मैं पहले तुम्हें बता दूं. Fraud का मतलब होता है चीजें जो इंटेंशनली करी गई हो, ठीक है? इसका एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से आई हैव टू एज अ क्लाइंट, लेट्स से एबीसी वांट्स टू गेट लिस्टेड, ठीक है? अब लिस्टिंग में क्या होता है कि तुम्हारे प्रॉफिट्स वो ओवरस्टेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट बैठ कर बहुत अच्छे से प्लान बनाती है एंड इट इज नॉट डन ओवरनाइट. ट्रस्ट मी, इसमें बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग लगती है. मैनेजमेंट कहती है हम सैलरीज को कम विड्रॉ करते हैं एंड प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट करते हैं, ठीक है? और इट कुड बी एनी अदर वे. तो उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट किया. फाइन, दिस वॉज समथिंग डन इन अ फ्रॉड intention, that is it has been done intentionally by the management. Fine, but let's say this was the case of fraud, जहाँ पे तुम बैठ के पूरे गप्पे मार के पूरे डिस्कस करके पूरा दिमाग लगा के फ्रॉड कर रहे हो. फाइन, इफ यू एवर रीड अबाउट एनरॉन स्कैंडल, जो हम आगे जाके पढ़ने भी वाले हैं, दिस वॉज डन वेरी इंटेंशनली, दिस वॉज डन ओवर ईयर्स इन ऑर्डर टू प्लान दिस फ्रॉड, ठीक है? मेनी फ्रॉड्स, अदानी, नॉट इवन अदानी, सॉरी, किंग फिशर, योर सत्यम, योर हर्षद मेहता, एवरी स्कैंडल इज डन वेरी 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 इंटेंशनली विद लॉट ऑफ प्लानिंग. नाउ व्हाट इज एरर? लेट्स से तुम्हारा एम्प्लॉय गया था फ्राइडे नाइट को पार्टी करने, बेचारे को सैटरडे को हमने ऑफिस बुला लिया एंड उसका हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा एंड वो इसी शक्ल में बैठा हुआ है. उसे बोला गया कि आज तुम्हें 500 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है लेजर में. बेचारे ने एक ट्रांजैक्शन को 500 की जगह 5000 लिख दिया. बेचारा बहुत नशे में था, बेचारा फ्राइडे नाइट एंजॉय करके आया था, तुमने उसे जबरदस्ती सैटरडे को बुला लिया एंड उससे ये गलती हो गई. एंड दिस इज समथिंग दैट इज डन अनइंटेंशनली, उसकी भी कोई गलती नहीं थी, वो भी इंसान है, रोबोट नहीं है एंड इंसानों से गलतियां होती है, ठीक है? तो दिस वॉज समथिंग दैट इज डन अनइंटेंशनली, तो दिस कैन बी मेंशनड एज एरर. फाइन, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट फ्रॉड एंड एरर आर टू डिफरेंट टर्म्स. One is done intentionally and other is done unintentionally. Now, what are the type of misstatement? Now, trust me, this is the most important topic in this particular chapter. And अगर तुम्हें ये flowchart समझ में आ गया, तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया, तुम्हारा chapter ये done हो गया, ठीक है? तो ये थोड़ा कान खोल के सुन लो, ठीक है? Now, there are two types of misstatements. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एरर, ठीक है? एरर होता है क्लेरिकल एरर. क्लेरिकल एरर होता है पोस्टिंग के टाइम तुमने कुछ गलतियां कर दी, ठीक है? एरर इज ऑफ टू टाइप्स. एरर ऑफ कमीशन, कमीशन मतलब होता है रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अमाउंट या साइट. से राम को मुझे 1000 से डेबिट करना था, बट मैंने राम को 10,000 से डेबिट कर दिया, ठीक है? तो आई हैव पोस्टेड रॉन्ग अमाउंट इन माय अकाउंट्स, दैट टू अनइंटेंशनली, ठीक है? तो दिस इज द एरर ऑफ कमीशन. फाइन, नाउ व्हाट इज एरर ऑफ ओमिशन? ओमिशन मतलब भूल जाना, ठीक है? हम भूल गए.
अब दो चीजें हो सकती है, या तो तुम पूरा का पूरा भूल गए, लेट्स से तुमने एज अ कंपनी $10,000 की मशीन खरीदी थी एंड तुम नींदों में थे, लेट्स से तुमने सैट फ्राइडे को खरीदी थी एंड तुम्हारे ऑफिस के टाइमिंग खत्म हो गए थे और ये 7 बजे डिलीवर हुई, तुम मंडे का ऑफिस आए और तुम ये रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ये हो गया कंप्लीट ओमिशन, ये तुम्हारे बुक्स में कभी आई ही नहीं। एक होता है पार्शल ओमिशन, लेट्स से तुम्हारे परचेजेस हुए थे 10,000 के एंड तुमने रिकॉर्ड करे हैं सिर्फ 8,000 के, तो ओमिशन कितने के भूल गए, 2,000 के, तो ओमिशन इज समथिंग दैट यू एक्चुअली फॉरगॉट, फाइन, तो दीज आर योर क्लेरिकल एरर्स। देन इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल, दिस इज द एरर विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंटर्न्स या तुम जैसे छोटे नन्हे बच्चे जो अभी BCom होने से सीधा Big 4 में चले जाओगे, ठीक है, या कोई न्यू जॉइनी। अगर तुम एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हो, सो दीज एरर्स आर समथिंग विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। वाई? बिकॉज इस एरर में क्या होता है कि लेट्स से तुम्हें रिकॉर्ड करना था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ 10,000, लेट्स से तुमने किसी मशीन को रिपेयर करवाया था एंड तुम्हें एंट्री करनी थी P&L अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट इज इट हैज टू बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट तुम ठहरे नन्हे मुन्ने बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं, तुमने लेके इसे कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है, तुमने क्या किया, तुमने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी टू कैश 10,000, यू कैपिटलाइज इट, तुम्हारा पूरा IA-16 की बैंड बच गई यहाँ पे, ठीक है, IA-16 दैट इज अ प्रिंसिपल दैट इट सेज रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो तुमने ये कर दिया, तो दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ कॉम्पेंसेटिंग एरर्स आर दोज एरर्स जहां पे तुम्हारी चीजें कॉम्पेंसेट हो जाती है एक दूसरे से, लेट्स से तुमने एक गलती करी 5,000 की, दूसरी जगह तुमने कर दी 15,000 की, या लेट्स से यहाँ पे तुमने दो गलतियां करी, एक 5,000 की और एक 10,000 की, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में तुमने 15,000 की गलती करी थी, तो जब तुम TV बनाओगे तो ये दोनों ही कॉम्पेंसेट हो जाएंगी एक दूसरे से, फाइन। नाउ गाइस, इन केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी एरर और एनीथिंग, प्लीज 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 टेल मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल राइट रिप्लाई टू योर कमेंट इन डिटेल कि तुम्हें थोड़ा बेटर समझ में आए, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड, टू मेक यू अंडरस्टैंड विद बेस्ट एग्जाम्पल्स, अगर तुम बुक में पढ़ोगे लिटरली दो दो लाइन का, ठीक है। नाउ एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एज द नेम सजेस्ट, वन एंट्री हैज बिन रिकॉर्डेड ट्वाइस, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एंट्री जो मेरे TB को इम्पैक्ट नहीं करेगी, ये याद रखना, ठीक है। नाउ दीज ऑल थिंग्स वर समथिंग विच वॉज डन अनइंटेंशनली, वाई, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट एरर्स, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रॉड, समथिंग दैट इज डन इंटेंशनली, ओके। फ्रॉड इज द फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देखो एक होता है, मैं इसे थोड़े बेटर वे में समझाती हूँ, फ्रॉड दो लोग कर सकते हैं, एक कर सकता है इम्प्लॉय, लेट्स से तुम्हारी डायमंड की कंपनी है, अब इम्प्लॉय ठहरा लालची बंदा, उसने कर ली चोरी, सो ये हो गया तुम्हारा फ्रॉड एट इम्प्लॉय लेवल। एक होता है मैनेजमेंट लेवल, दैट इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, एज आई मेंशन तुम्हें लिस्ट होना था, तुमने प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट कर दिया, एसेट्स को ओवरस्टेट कर दिया एंड लाइबिलिटीज को अंडरस्टेट कर दिया, तो दिस इज समथिंग दैट यू डिड मिस अप्रोप्रिएशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू गेट लिस्टेड, तो दिस इज डन बाय द मैनेजमेंट, फाइन। आई होप इट इज क्लियर, आई एक्चुअली ट्राइड माई बेस्ट,
in order to make you understand, because this is very 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 important flow chart. And trust me, अगर तुम बुक से पढ़ोगे यू विल गेट लॉट कंफ्यूज अबाउट इट. सो मेक श्योर अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हो तो तुम थोड़ा चीजें आसान करके पढ़ रहे हो. नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, वही मेरी थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर लो. फिर भी अगर तुम जिद्दी हो तो फिर क्या ही मैं रिक्वेस्ट करूँ. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है. प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग की जब हम बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग इज नथिंग बट योर क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए व्हाइल वी आर अंडरटेकिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग. द फर्स्ट टॉक्स अबाउट द इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. इंटेग्रिटी कहता है सत्यवती बनो, ठीक है. ऑब्जेक्टिविटी कहता है अनबायस्ड, किसी के रिश्तेदार नहीं हो, जो है खुल के बोलो, अनबायस्ड बोलो. इंडिपेंडेंस कहता है दैट यू आर इंडिपेंडेंट पार्टी, यू आर नॉट रिलेटेड टू एनी पार्टी, यू शुड हैव इम्पार्शल एटीट्यूड. फाइन. कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर आज मैं लेट से रतन टाटा का लेट से और किसी भी ITC या किसी भी कंपनी का ऑडिट कर रही हूँ, आई विल बी लुकिंग इन साइड देयर कंपनी, देयर फिनेंशियल स्टेटमेंट, देयर इंटरनल कंट्रोल, वॉट आर द प्रोसीजर्स दे आर फॉलोइंग. सो दिस इज समथिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दैट आई एम नॉट अलाउड टू शेयर विद एनी वन. ओके. सो जब भी मैं ऑडिटिंग करती हूँ आई मेक श्योर कि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच ना करूँ. एक तुम्हें इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब भी हम किसी क्लाइंट पे ऑडिट करते हैं, स्पेशली इन EY और एनी अदर फर्म, हम एक कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर्म फिल करते हैं जहाँ पे हम प्रोमिस करते हैं दैट एनी इंफॉर्मेशन दैट आई सीक और एनी इंफॉर्मेशन दैट आई सी आई विल नॉट बी टेलिंग टू एनी आउटसाइड पार्टी इवन दो इट इज माई फैमिली. ओके. सो दिस इज हाउ द कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल वर्क्स, दैट इट इज स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल एंड यू नीड नॉट डिस्क्लोज इट टू द थर्ड पार्टी. ओके. बट ये समटाइम्स यू कैन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड लीगली. लेट्स से अदानी पे कोई केस चल रहा है एंड अगर मुझे लॉयर आके या कोई जज पूछता है, ऑफ कोर्स आई नीड टू ब्रीच द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ. स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस, दिस मीन्स दैट एज एन ऑडिटर आई हैव एडिक्वेट स्किल्स, आई हैव एडिक्वेट ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट ऑडिट. फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स. देखो ऑडिटर क्या है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा ओपिनियन ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई किसने है, मैनेजमेंट ने, राइट. तो उसे रिलाई करना पड़ेगा दूसरों के काम पे, चाहे वो मैनेजमेंट हो जिसने वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, चाहे उसकी ऑडिट टीम खुद की हो जिसने वो सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करे. फाइन. तो ही हैज टू रिलाई टू सम एक्सटेंट, एक अकेला बंदा पूरा सब कुछ नहीं कर सकता. प्लानिंग, प्लानिंग देखो द प्लानिंग ऑफ द ऑडिटिंग हैज टू बी कंडक्टेड इन द बेस्ट मैनर. वाई? प्लानिंग क्या होती है, एक एंड फर्म के एंटर करने से पहले मुझे चीजें प्लान करनी है, कितने लोग हैं टीम में, क्या फीस चार्ज करूंगी, कितना इंटरनल कंट्रोल पे लाइक करना है, कितना सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने. सो एवरीथिंग हैज टू बी डन थ्रू प्लानिंग. राइट. नाउ दीज आर दी अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट आई विल बी कवरिंग. एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, वाई ऑडिटिंग इज अ गुड थिंग. देखो अगर तुम ऑडिटिंग करवा रही हो तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारे एरर्स, फ्रॉड, दे मे बी डिटेक्टेड अर्ली एट स्टेज. फाइन. अगर तुम ऑडिटिंग करवा रहे हो, एम्प्लॉयज के ऊपर एक डंडा रहता है कि भैया मोरल उनका और मे बी दे आर जस्ट सिस्ट, दे आर मोर केयरफुल कि भैया फ्रॉड नहीं करना, ऑडिटर आएगा पकड़ लेगा और जेल में डाल देगा, ठीक है. द कंपनी दैट गेट्स ऑडिटेड आर मोर रिलायबल. वाई? बिकॉज एज अ इन्वेस्टर आई ऑलवेज लाइक टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज हु गेट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड.
ठीक है, बिकॉज वहाँ पे आपको चाहे आप किसी बैंक से भी लोन लेने जाओगे तो ऑफ कोर्स दे विल रिलाई ऑन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटिंग होगी एज कम्पेयर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ऑडिटेड. टैक्स अथॉरिटीज हमेशा वही अकाउंट्स में बिलीव करती है जो ऑडिटेड होते हैं. समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट जस्ट योर डिसीजन, तुम्हें क्या करना है वो मैटर नहीं करता. मे बी कई बार कुछ कंपनीज के लिए बहुत कंपल्शन हो जाता है, लेट्स से इन यूके इफ यू एक्सीड सर्टेन लिमिट ऑफ थ्रेशोल्ड तुम्हारे लिए वो जरूरी है कि तुम्हें ऑडिट करवाना पड़ेगा. ठीक है, तो टू एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी यू हैव टू गेट योर सेल्फ ऑडिटेड. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग? लिमिटेड स्कोप. अब हर चीज ऑडिटिंग कवर नहीं करता. ठीक है, देयर आर फ्यू एरियाज लेट्स से एथिक्स विच आर एक्चुअली नॉट कवर्ड बाई दी ऑडिटिंग. पोस्टमार्टम ऑफ प्रिपेयर्ड अकाउंट्स. देखो ये अकाउंट्स बन चुके हैं, ठीक है, ये अकाउंट्स मैनिपुलेट हो चुके हैं, राइट? तो चीजें अभी भी कुछ हिडन रह सकते हैं. फाइन, तो दिस इज समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड. रिलायंस ऑन इनसाइड इंफॉर्मेशन. एज आई मेंशन, इट इज अ ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट टू क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉट द ऑडिटर. तो एज दे आर प्रिपेयरिंग आई हैव टू रिलाई ऑन सर्टेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई देम. ठीक है, एक्सटर्नल एविडेंस. समटाइम्स एक्सटर्नल एविडेंस लेट्स से थर्ड पार्टी कॉन्फर्मेशन आर नॉट वेरी रिलायंट, लेट्स से डेटर्स. ठीक है, क्या पता वो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दे. अब क्या भरोसा है कि ये मेरे मैंने इसे सेट नहीं किया हुआ, मैनेजमेंट ने इसे पैसे देके सेट नहीं किया कि भैया ऑडिटर कॉल करेगा तुम ये बोल देना. ठीक है, बेस्ड ऑन सैम्पलिंग. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ऑडिटिंग इज बेस्ड अपॉन सैम्पलिंग. एन ऑडिटर कैन नॉट चेक 100% ऑफ ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ टाइम. फाइन, तो सैम्पलिंग इश्यू आ जाते हैं. क्या पता मैं कुछ ऐसा सैम्पल सेलेक्ट करूं जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करे. ठीक है, सो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन दैट दिस इज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन 100% और एब्सोल्यूट अश्योरेंस. फाइन, तो एक टर्म होती है कि हमेशा एक ऑडिटर लिमिटेड अश्योरेंस देता है एंड नॉट द एब्सोल्यूट अश्योरेंस. Now, this is the question that might come in your exam, and I'm not sure if it will actually come in your exam, but this was an important line that I actually found out in one of the study texts. And trust me, you will not find this particular question in 10 years. तो वहाँ पे ढूंढने की कोशिश मत करना. This is just a statement that auditor is a watchdog and not a bloodhound. Fine. So take a snip. Read this particular para in case you are not able to understand, write below and I'll make you understand through replying your comment. And but this is a question that may come as a 2 marker, as a 3 marker, or if you are over smart, you can actually use this particular line to answer your question. ठीक है, तो आप ये लाइन कभी भी चेप सकते हो अपने आंसर में एंड एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगा. ठीक है, नाउ दैट्स इट, द चैप्टर इज ओवर. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. आई होप आई मेड इट क्लियर. थैंक यू सो मच गाइज. हैव अ ग्रेट डे. कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड. And don't forget to subscribe to my channel. Okay, bye. Have a great day. All the best.